एक और नए ब्लॉग में, और इस ब्लॉग में हम देखने वाले हैं कि आप अपने कार का केयर कैसे कर सकते हो और कार की क्लीनिंग कैसे कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि कार को कैसे क्लीन करना है, पॉलिश करना है और अंदर से क्लीन करना है, इंटीरियर क्लीनिंग, आज वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बट सबसे पहले कार का कवर उतारते हैं और फिर उसके बाद में आगे की प्रोसेस का अपन बात करते हैं। गाड़ी पे पानी मारने वाले हैं और उसके बाद में हम इसको करने वाले हैं फोम वॉश, तो उसका भी मैं प्रोसेस आपको आगे बताता हूँ कि कैसे करना है और क्या तरीके से करना है। तो अभी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हमने गाड़ी को बीच में खड़ा कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो, और अभी हम लोग एक नॉर्मल वाटर से और क्लोथ से हम लोग पूरी कार को एक बार पूरा साफ़ करने वाले हैं, सिर्फ नॉर्मल वाटर से। हम स्टार्टिंग में ही सोप नहीं डालेंगे, तो जो धूल मिट्टी है वो पहले नॉर्मल वाटर से निकल जानी चाहिए एंड फिर जो बची हुई धूल है वो सोप वाटर से निकलनी चाहिए। तो सबसे पहले हमको इससे पूरी कार को साफ़ करना है। तो अभी क्लीन करने के लिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं नॉर्मल वाटर से। अभी हमने कार को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया और आप देख सकते हो कि पूरे मैंने कार को वाटर से रिंस कर दिया है। तो अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि जो है हम लोग ने शैम्पू वाटर ले लिया है और इससे हम पूरी कार को अच्छे से साफ़ करेंगे। जो भी धूल मिट्टी इस पर बची है उसको हमको निकालना है और इस सोप वाटर की मदद से।
अभी हमने कार को सोप वाटर से धो लिया है और अभी हम इसको नॉर्मल वाटर से रिंस करने वाले हैं, क्योंकि सोप वाटर और नॉर्मल वाटर से वॉश अपने धो गए हैं और अभी बस अपने को इसको नॉर्मल वाटर से रिंस करना है। तो अभी मैंने कार को वॉश कर दिया है रिंस वाटर से, नॉर्मल वाटर से मैंने इसको रिंस कर दिया है और अभी हम इसको पूरा ड्राई करेंगे माइक्रोफाइबर क्लॉथ से। तो आप ये मेक श्योर करें कि माइक्रोफाइबर क्लॉथ से आप अपने कार को साफ करें, क्योंकि इट्स द बेस्ट, क्योंकि इससे कार पे आपके स्क्रैचेस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। यार अभी आप लोग देख सकते हो कि अपनी कार कितनी साफ़ हो गई है और पहले कैसे थी और अभी कैसे लग रही है। अभी और पहले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गंदी नहीं थी, बट इन रियल लाइफ गंदी लग रही थी। तो अभी इसको हमने पूरा वॉश कर दिया है शैम्पू से और देख सकते हो कैसी लग रही है और कैसा है अपना आउटकम। तो अभी इस प्रोसेस में, नेक्स्ट प्रोसेस में हमको इसके सारे जो मैट्स हैं, मैट्स को हमें उतारना है, सारे के सारे मैट्स। तो ये 3D मैट्स हैं, हम इनको धो नहीं सकते, हमें इनको निकाल के क्लॉथ से साफ़ करना होगा, तो अभी वो करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने सारे के सारे मैट्स बाहर निकाल लिए, ड्राइवर साइड का भी निकाल लिया है और यहाँ का जो मैट है वो पूरा निकाल लिया है और ये रहा, ये पूरा इंटरकनेक्टेड है और ये ड्राइवर सीट का है, तो इसको हम अभी क्लॉथ से पूरा साफ़ कर लेंगे। तो अभी इनको हमने साफ़ कर लिया है, मुझे पता नहीं आपको ये दिख रहा है कि नहीं, बट ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम इसको वॉश नहीं कर सकते वाटर से, हमें इसको सिर्फ क्लॉथ से क्लीन करना होगा। तो जितना हो पाया मैंने क्लीन कर दिया है, अभी इसको हम लोग वापस से अंदर डाल लेते हैं। तो अभी नेक्स्ट प्रोसेस में मेरे हाथ में है ये 3M का कार इंटीरियर क्लीनर, तो इससे हम पूरा इंटीरियर को हम लोग पूरा क्लीन करेंगे और सीट कवर्स को भी क्लीन करेंगे। तो देख सकते हैं अभी ये बेज है, तो ये काफ़ी यहाँ से ख़राब, आपको ब्लैक मार्क्स दिख रहे रहेंगे, तो ये काफ़ी यहाँ से ख़राब हो गए, तो इसको हम इंटीरियर क्लीनर से साफ़ करेंगे। तो अभी हम इस पर स्प्रे करेंगे ये इंटीरियर क्लीनर। उस वाली सीट पे भी हम इसको स्प्रे करेंगे। और डोर्स पे भी कर देंगे। सीट पे भी इसको अच्छे तरीके से स्प्रे करेंगे। और इस वाले डोर पे भी देख सकते हो आप। और ये डैशबोर्ड पे भी। तो इसको स्प्रे करने के बाद में हमें इसको अपने क्लॉथ से साफ करना है। फोम को साफ कर दिया और अभी आप देख सकते हो कि कितने साफ लग रहे हैं सीट कवर। अभी आप देख पा रहे होंगे इस पे जो स्टेन्स थे वो सारे निकल गए और उस सीट में भी वैसे ही।
सारे स्टेन्स वगैरह जो भी थे वो निकल गए हैं, और हमने इसको डैशबोर्ड पे भी स्प्रे किया था उसको भी हमने निकाल दिया है, और यहाँ पे भी मारा था, देख सकते हो आपको एक क्लीन लुक मिलता है काफ़ी इससे, और जो डर्ट इसमें जो पसी रहती है वो पूरी क्लियर हो जाती है। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है हम मोटोमैक्स का जो है डैशबोर्ड का पॉलिश यूज़ करने वाले हैं, और उससे हम पूरे डैशबोर्ड को जो है पॉलिश करने वाले हैं, डैशबोर्ड को भी और इंटीरियर को भी। तो अभी हम शुरू करते हैं इसको पॉलिश मारा, तो इसके लिए हमने पॉलिश किया है और स्पंज लिया है, उसको तो स्पंज की ज़रूरत पड़ेगी। करने वाले इंटीरियर में, तो आप हमें इसको अच्छी तरीके से हर जगह पे हमें जो ये है इसको रब करना है और इसको अच्छी तरीके से पॉलिश करना है, और ख़ासकर ब्लैक पार्ट्स को। अभी इंटीरियर में पॉलिश पूरा कर दिया है, और अभी मैंने जो आउटर पार्ट्स हैं उनको भी पॉलिश कर दिया, देख सकते हो ये जो आउटर प्लास्टिक पार्ट्स हैं उनको भी मैंने पॉलिश कर दिया, आप देख सकते हो ये मिरर का ये ब्लैक साइड इन सबको पॉलिश कर दिया है, नीचे का ब्लैक साइड। तो आउटर पार्ट में जितने भी ब्लैक कंपोनेंट्स हैं उन सबको मैंने पॉलिश कर दिया है, देख सकते हो ये वाला दिस देख सकते हो, तो इन्हें भी पॉलिश करना आपको ओवर द टाइम काफ़ी ज़रूरी है, और इससे एक कार को आपके शाइन आती है आप देख सकते हो। तो अभी इसका नेक्स्ट प्रोसेस हमें बस एक लास्ट प्रोसेस बचा है जो कि है आपको मैं बता रहा हूँ। तो अभी जो रह गया है हमारा सबसे मेन पार्ट जो है अपने कार के जूते हैं उनको चमकाना, तो अभी टायर को पॉलिश मारते हैं, और मैंने ये ख़राब वाला स्पंज ले लिया, तो आप टायर के लिए आपका ख़राब वाला स्पंज यूज़ कर सकते हैं और अच्छा वाला स्पंज ख़राब ना कर सकते। तो कार को हमने कर दिया है पूरा साफ़, आप देख सकते हो इंटीरियर में पॉलिश भी हमने पूरी मार दी है, सीट कवर्स हमने साफ़ कर दिया है, मैटिंग भी हमने साफ़ कर दिया है, अभी हर एक टायर को हमने पॉलिश भी मार दी है हर एक टायर को, और पीछे से भी पूरी साफ़ कर दी है, इसके ग्लासेस भी पूरे साफ़ कर दिए है, टायर्स को पॉलिश मार दिया है, और अभी अपनी गाड़ी पूरी तरीके से साफ़ हो गई है एंड पूरी अभी नई जैसी लग रही है। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस कि कैसे हमें अपनी गाड़ी को साफ़ करना चाहिए और हमें अपनी कार को मेंटेन करना चाहिए और कैसे हमें हर एक प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। तो यही था आज का वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, see you in the next one.